का तूफान बाबर का जलवा कल शाम से कुछ ऐसे ही शब्द क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं। और आखिर छाए भी क्यों ना, बाबर ने एशिया कप 2023 टूर्नामेंट पहले ही मैच में जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की उसे देखने के बाद हर कोई उनका मुरीद हो गया। पाक की शुरुआती पारी लड़खड़ाने के बावजूद बाबर ने बड़ी सूझबूझ के साथ कप्तानी पारी न सिर्फ खेली बल्कि ताबड़तोड़ 151 रन भी जड़े। इस मैच में बाबर नेपाल गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। इस पारी के साथ बाबर आजम ने विराट कोहली और हाशिम आमला, कुमार संगकारा और जैक कैलिस को पछाड़ते हुए क्रिकेट जगत में अपने नाम कुछ बड़े रिकॉर्ड्स दर्ज भी किए। बाबर की इस पारी के बाद विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए 2 सितंबर को होने वाले भारत पाक मैच को लेकर बड़ा बयान दिया था। वहीं आज बाबर आजम ने भी विराट कोहली को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे सुनने के बाद आप बाबर आजम की सिर्फ बल्लेबाजी को लेकर ही नहीं बल्कि उनके बेहतरीन व्यवहार को लेकर भी फैन हो जाएंगे। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में पाक टीम ने बड़ी जीत के साथ शानदार आगाज किया। नेपाल के खिलाफ खेले गए इस मैच में पाकिस्तान टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए नेपाल टीम को 238 रन के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए। 2 सितंबर को खेले जाने वाले भारत पाक मुकाबले से पहले पाक को मिली जीत से टीम के खिलाड़ियों को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में जिस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन किया इसके जरिए पाक टीम ने एशिया में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दे डाली कि पाकिस्तान के रहते किसी भी टीम के लिए यह खिताब जीतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं इस मैच में पाक टीम की तरफ से बाबर आजम ने 131 गेंद में 151 रन की पारी खेली। इस दौरान बाबर ने 14 चौके और 4 छक्के भी लगाए। बाबर को इस शानदार पारी की बदौलत मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इस बीच जीत के बाद जहां पाकिस्तानी फैंस ने एक बार फिर विराट बाबर की तुलना करनी शुरू कर दी तो बाबर ने धैर्य दिखाते हुए विराट की जमकर तारीफ की। दरअसल विराट ने इस मुकाबले से पहले बाबर को लेकर एक बयान दिया था जिसके बाद बाबर आजम ने भी विराट कोहली के बयान का पलटवार करते हुए कहा, वास्तव में अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से टिप्पणी करता है। जिस तरह से विराट कोहली ने टिप्पणी की है मेरे लिए ये गर्व का क्षण है। मुझे वास्तव में अच्छा लगा, जब आपको इस तरह से प्रशंसा मिलती है तो आपको आत्मविश्वास मिलता है। उन्होंने कहा कि 2019 में वर्ल्ड कप में उनके पास गया, वो अपने चरम पर थे, वो अब भी अपने चरम पर है। मैंने सोचा कि मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए, मैंने तब उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत सी चीजें समझाई और इसमें मुझे बहुत मदद भी मिलती है। बता दें कि विराट कोहली ने एक वीडियो में बाबर आजम को लेकर कहा था, मैंने पहले दिन से ही उनमें बहुत सम्मान देखा है, ये नहीं बदला है। इस तथ्य के बावजूद कि वो शायद सभी प्रारूपों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, वो लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने उन्हें खेलते हुए देखकर आनंद लिया है, वो अपने आप में आ रहे हैं, मैंने अपने प्रति उनके रवैये में बदलाव नहीं देखा। इस तरह के किरदार बहुत आगे तक जाते हैं और वो लोगों को प्रेरित करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बाबर और विराट का एक दूसरे को लेकर दिया गया बयान कितना प्रभाव डालेगा? दोनों बल्लेबाज क्रिकेट के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक है, ऐसे में इन दोनों की दोस्ती क्या एक नई इतिहास लिखेगी? अपनी इस राय को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।